आया जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हम तो कहते कहते बावर हो गए जान ना से, अभी तक कोई सुनाई ना हो रही है, क्या करवाएंगे। बोलो फट गई ना सरपंच, फट गया नहीं रोको। डीटी न्यूज की टीम लगातार पड़ताल कर रही है ग्राम पंचायत बिछोर की, और यहाँ विकास की पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ रही हैं। और विकास के मामले की जब बात आए तो यहाँ विनाश होता है। ये देखिए, दरअसल ये दादा जो मोहल्ला है बिछोर गांव में, ये नज़र आप देख रहे हैं। देखिए बच्चों की जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, दरअसल ये बच्चे इस मेन जो रास्ता है जिससे पानी निकाल रहे हैं, जो यहाँ की नालियाँ बनी हुई हैं उसके लिए इस पानी की निकासी कर रहे हैं डिब्बों के माध्यम से, और उस पानी को निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग पूरे तरीके से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये पूरे गाँव का ऐसा ही नज़ारा, ये देखिए यहाँ कैसे कोई बंदा निकल सकता है, इससे कैसे गुजर सकता है इस रास्ते से। यहाँ जो ये मोहल्ला है पूरे तरीके से परेशान है, से निकल नहीं सकता है, बीमारी होने का अंदेशा यहाँ बना रहता है। ग्रामवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो इनकी सुनते क्यों नहीं है, क्यों इस रास्ते को नहीं बनवाते हैं, और आखिर वजह क्या है, समस्या क्या है, सब कुछ जानेंगे। कितने दिनों से आप लोग जूझ रहे हैं भाई जान? एक डेढ़ साल से। हाँ जी। अच्छा सरपंच साहब क्या कहते हैं इस बारे में? बस ये बोलते हैं हाँ करवाऊंगा। डेढ़ साल से भी हमें झूठा ऐसा ही बोल रहे हैं, हम हाँ करवाएंगे। हमने चार गली ऐसी हैं जो अपनी दिखा रखी है, हम उसके पास चारों गलियों के इकट्ठे होकर उनके पास जा चुके हैं, हम जेलदार सरपंच के पास भी जा चुके हैं, उन 25-30 आदमी जा चुके हैं, उन्होंने यही मना कर देते हैं हाँ हम करवाएंगे, कल मड़ो डलवाएंगे, परसों सामान लाएंगे। आज तक डेढ़ साल से कुछ भी नहीं आया, खाली झूठ बोलते हैं। जी क्या कहना चाह रहे थे? ऐसा है जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हम तो कहते कहते बावर हो गए जान ना से, अभी तक कोई सुनाई ना हो रही है, क्या करवाएंगे। बोलो फट गई ना सरपंच, फट गया नहीं रोको। अच्छा आप लोग जब मिलते हैं उससे क्या बोलते हैं, उसका आश्वासन क्या होता है? पार्ट नहीं कहता जी, पैसा ही ना आता, हम पे पैसा नहीं आता, पैसा खत्म हो चुका। हम एक दो बार गए भी, पैसा नहीं है, हम कहाँ से करवाएंगे। देखिए साहब, इन लोगों का कहना है कि पूरे तरीके से इस विकास कार्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये दरअसल ये ग्राम पंचायत बिछोर का नज़ारा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से जूम करके दिखाए। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, वो बच्चों की एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये नज़र आता, ये दिखाता है कि ये बच्चे, ये घर वाले कितने परेशान हैं, पूरे पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गांव लेवल पर जो यहाँ के कर्मचारी भी लगाए जाते हैं, सफाई अभियान जो करते हैं, सफाई करते हैं, वो इस पूरे तरीके से यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये भी नज़ारा देखिए, मोहल्ले के खुद लोग ही इस पानी की निकासी कर रहे हैं, और ये ग्रामवासी पूरे तरीके से परेशान हैं। इनका कहना है कि सरपंच हमारी सुनता नहीं है, उसके पास जाते हैं तो पूरे तरीके से इस मामले को नज़रअंदाज करते हैं, और विकास की पोल पूरे तरीके से बिछोर गांव की खिलती हुई नज़र आ रही है। हम पड़ताल कर रहे हैं गांव बिछोर की कि यहां कितना विकास हुआ है पिछले 4.5 सालों में, लेकिन विकास पूरे तरीके से विनाश में तब्दील हो चुका है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं दरअसल बिछोर ग्राम पंचायत का, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये नज़ारा आप देखिए, ये बिछोर के लिए ये रास्ता जाता है, ये भी बिछोर का रास्ता है। ये देखिए आप, पूरे तरीके से यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और ग्रामवासी परेशान हैं। इनका कहना है कि यहाँ हमको निकलने के लिए पूरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये देखिए नज़ारा आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरे मोहल्ले में यही है जी। कैसा नज़ारा है गाँव का जी? नज़ारो का सबसे बेकार मामलो, यहाँ के तो बकवास है, इतना बुरा हाल तो कोई गांव में ना हो, जितना बुरा हाल यहाँ पे है। क्या तो इतना हाल है कि परली साइड अपनी साइड तो रास्ता बना दिए, लेकिन यहाँ साइड में कोई रास्ता ना बनवाए। देखिए साहब, डीटी न्यूज की टीम लगातार पड़ताल कर रही है, आगे का नज़ारा देखिएगा, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। पूरा
गांव तालाब बन चुका है। ये ग्राम पंचायत बिछोर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल चारों तरफ ऐसे ही हालात हैं। ये मोहल्ला आप देख रहे हैं, यहाँ निकल नहीं सकता इंसान। ये पूरे तरीके से ब्लॉक है ये रास्ता। ये देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ कोई गुजर नहीं सकता है। यह गंदगी पूरे तरीके से उसका प्रकोप बढ़ चुका है। बीमारियाँ यहाँ होने का अंदेशा बना हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए, ये पेड़ पौधे भी रास्ते में लगे हुए हैं और यहाँ पूरे तरीके से ये लोग परेशान हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनका मानना है कि यहाँ हम लोग जब कोई डेथ हो जाती है तो उसको ट्रैक्टर या गाड़ी से ले जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरे गांव में ऐसे ही हालात हैं, जो यहाँ रिश्तेदार आते हैं, इनके रिलेटिव आते हैं, वो गलत कमेंट करते हैं। वो पूरे तरीके से उनका मानना है कि यहाँ कोई आपका रिश्ता करने के लिए नहीं आएगा, आपके लड़कों की बच्चों की शादी नहीं होगी, ऐसे कमेंट पास करते हैं। ये महिला आप देख रहे हैं, देखिए कैसे लोग गुजरते हैं। ये दुख दर्द इनका समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रशासन से, यहाँ के सरपंच जो हैं, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उनसे यही हमारी अपील है कि वो लोग इस समस्याओं को जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हैं, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। ये पूरा नज़ारा, पूरे गांव का ऐसा ही नज़ारा, गांव बिछोर का आपको हम दिखा रहे हैं। हम लगातार हमारी पड़ताल चल रही है और पूरे तरीके से डीटी न्यूज़ की टीम गाँव बिछोर के विकास की पोल खोल रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा, बने रहिए अभी हमारे साथ।